हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए लास्ट जो दो तीन वीडियो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में मैंने बताए थे, तो उसके अंदर इसके जो फंडामेंटल चीज़ें थी, जो बड़े बड़ा एक सबसे मेन जो रेशियो था प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया है, तो वो आप लोगों ने देखा हो अच्छे से। और प्लस सेकेंड जो है उसके बाद जो वीडियो में एक में मैंने बीपी जो है उसके बारे में बताया था, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग के सारे डिसीजन 99% जो है वो आपके जो है पीवी रेशियो और बीपी पर छुपे रहते हैं, और उन्हीं के बेसिस पर आप डिसाइड करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की जो है कि उनको बेचा जाए नहीं बेचा जाए, किस प्रोडक्ट को चलाए, किसको बंद करें, प्लस कौन सा जो है ऑर्डर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें इससे जो है वो डिसाइड होती है। प्लस अपन ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि अगर मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए तो मैं कितनी सेल करूँ, या मैं इतनी सेल्स करूँगा तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा। तो ये सारे जवाब लगभग आपका पीवी रेशियो का जो सेकंड फार्मूला था, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 वाला, उससे आपको ये जवाब मिल जाते हैं। और प्लस बीपी रेशियो वाला जो फार्मूला था, क्योंकि हमारा बिजनेस का और हर एक व्यक्ति का ये लॉजिक रहता है कि कम से कम हम लिस्ट रिस्क पता करें कि अगर उससे कम अगर हम होंगे तो फेलियर होंगे, और उससे ऊपर अगर होंगे तो हमको कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। तो उस हिसाब से बीपी जो है वो एक मेजर चीज़ होती है। जैसा मैंने एग्जांपल बताया था कि स्टूडेंट्स जो है वो हमेशा ये सोचते हैं कि भाई एटलीस्ट पास होने के लिए कितने मार्क्स हैं, उसका हमेशा पहले पता करते हैं कि भाई बोर्ड है तो 33 है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है तो 36 है, CA CS का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ 40 मार्क्स पास है। लेकिन वहाँ पर अलग क्राइटेरिया और भी होता है, जैसे ऑनर्स में है कि 50 मार्क्स एवरेज भी होनी चाहिए, लेकिन हर एक व्यक्ति एटलीस्ट उस लेवल को क्लियर करना चाहता है, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो वो फेलियर हो जाएगा, चाहे वो बिज़नेस की बात करें, चाहे पढ़ाई की बात करें, या फिर कुछ और। तो अभी अपन उस फार्मूले के बाद, इस फार्मूले के अगला हिस्सा जो है नेक्स्ट पार्ट, वो है आपका चौथा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होती है, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मीनिंग जो है वो क्या रहता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सुरक्षा सीमा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है उसका मीनिंग होता है कि आपका जो बीपी सेल्स है, सम विच्छेद बिंदु विक्रय, उससे जो अधिक विक्रय आप करते हो वो आपकी जो है वो क्या कहलाती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी कि सेल्स मोर देन आपके इसके अंदर बीपी सेल्स जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो देखिए कि बीपी लेवल जो होता है वो हर स्टूडेंट के लिए हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। दैट मीन्स कि अगर आपके पासिंग मार्क्स 36 है तो आपके पासिंग मार्क्स 36 है तो सारे स्टूडेंट के लिए 36 ही रहेगा। किसी के लिए ऐसा नहीं होगा कि एक स्टूडेंट के लिए 36 है, एक के लिए 30 है, किसी के लिए 34 है। तो सारे स्टूडेंट का बीपी लेवल, यानी कि जो है आपका इसके पासिंग मार्क्स का जो है वो कितना रहेगा, 36। लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी हर स्टूडेंट की अलग अलग होगी। जैसे मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट 40 मार्क्स लाता है तो 36 से कितने ज़्यादा लेकर आया, 4 नंबर, तो ये उसकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गई। कोई अगर 50 नंबर लाता है तो 50-36 कितने हो गए, 14 मार्क्स, तो ये उसकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गई। तो दैट मीन्स कि हर स्टूडेंट जो करंट मार्क्स लेकर आएगा उसमें से अपन उसके जो बीपी मार्क्स है वो घटा देंगे तो उसके ऊपर वाली वैल्यू जो है उसको वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगी। दैट मीन्स कि उसने जो गेन किया है बीपी के ऊपर के नंबर, वो उसको परसेंटेज, डिवीज़न या मेरिट के अंदर आने में मदद करेंगे। और वैसे बिजनेस के अंदर आप बीपी से ऊपर अगर सेल्स करते हो तो वो आपके प्रॉफिट को जनरेट करेगी, और हमको जो प्रॉफिट होता है वो ऑलवेज बीपी के ऊपर वाले सेल्स पर ही होता है। तो उस वजह से कुछ एक ट्रिकी जो है एग्जांपल इसका जो बन जाता है या क्वेश्चन बन जाता है कि केवल मार्जिन ऑफ सेफ्टी दी हुई हो और उससे प्रॉफिट निकालना हो तो वो पॉसिबल है, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी तक जो है प्रॉफिट हम जनरेट कर पाते हैं, प्रॉफिट हम कमाते हैं, लेकिन बीपी तक हमको कोई प्रॉफिट नहीं होता। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि बीपी तक हमारी जो टोटल कॉस्ट है और हमारी जो सेल्स है वो दोनों इक्वल होगी। और बीपी का मीनिंग क्या होता है कि सेल्स का ऐसा पॉइंट या ऐसी क्वांटिटी या ऐसी अमाउंट जहाँ पर हमको ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बीपी सेल्स बोलते हैं। तो इस तरीके से इसका जो फार्मूला भी ऐसे ही बना, जो इसकी डेफिनेशन है कि बीपी सेल्स से ज़्यादा वाली सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पर आपकी जो है इसका फार्मूला भी यही है कि आपकी जितनी भी करंट सेल्स है, अभी आप एट ए टाइम कितनी सेल्स कर रहे हो, उसमें से जो बीपी सेल्स है उसको आप घटा दो तो उसका जो सरप्लस होगा एक तरह से, तो वो सरप्लस आपका जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिर्फ बीपी से ज़्यादा की भी सेल्स जो है उसको अपन मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। अब इस फॉर्मूले का जब अपन एक्सटेंशन करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो इससे एक और फार्मूला जनरेट हो जाता है। सेल्स का फार्मूला क्या होता है, कभी भी अपन किसी भी सेल्स को निकालते हैं तो हमने पहले भी जैसे डिस्कस किया, फार्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपन पीवी रेशियो, या अगर फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ें
तो उसकी टोटल जो होती है वो क्या कहलाती है, कंट्रीब्यूशन। तो किसी भी चीज़ के लिए अगर सेल्स निकालनी हो तो उसका फार्मूला ऑलवेज आपका क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी। और बीपी का फार्मूला क्या होता है अपना, बीपी का फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी। तो ये कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी, ये फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी। तो अपन इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो इसमें पीवी में पीवी का भाग लगेगा एक बार और उसको कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और इधर इसमें पीवी में पीवी का भाग लगाएगा आएगा वन, और वन को फिक्स कॉस्ट से गुणा करेंगे तो आपका अमाउंट जो होगा वो क्या रहेगा, फिक्स कॉस्ट का फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ आपकी इक्वेशन बन गई कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी। कंट्रीब्यूशन के अंदर कितनी चीज़ें शामिल होती है, दो, एक तो होता है आपका फिक्स कॉस्ट और एक क्या होता है प्रॉफिट। तो अगर अपन उसमें से कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को घटाते हैं तो पीछे जो वैल्यू बचती है वो आपकी एमएस यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए वो क्या बनी, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू होता है प्रॉफिट। तो फार्मूला क्या बना आपका, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो दैट मीन्स कि एक फार्मूला तो आपके ये वाला काम आता है और एक फार्मूला आपके ये भी काम आता है कि एमएस इक्वल्स टू होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो ये दो फार्मूले हैं ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए काम आते हैं, और इस फार्मूले से ये जो पर्टिकुलर जो फार्मूला है इस फार्मूले का अगर अपन रेसिप्रोकल करें या इससे अपन अगर प्रॉफिट का फार्मूला बनाएं तो ये भी एक अच्छा फार्मूला बन सकता है जो कुछ ट्रिकी क्वेश्चन के काम आता है। प्रॉफिट अपनी जगह रहेगा और एमएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पीवी रेशियो से। तो ये भी बहुत ही अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन अगर हो जहाँ पर आपको एमएस और सिर्फ पीवी रेशियो दे रखा हो, या फिर आपको एमएस निकालना हो और प्रॉफिट और पीवी रेशियो दे रखा हो, तो ये फार्मूला आप इसमें काम में ले सकते हैं। और अब लास्ट एमएस के अंदर होता है कि एमएस का आपको परसेंटेज निकालना हो, तो आपको याद हो कि बीपी सेल्स का परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या था, कि बीपी सेल्स के अंदर किसका भाग लगता है, सेल्स एट 100% कैपेसिटी। मतलब अगर कोई स्टूडेंट पास होगा तो वो 100 मार्क्स में से उसको 36 मार्क्स लाने, मतलब 36% 80 90 60 इस तरह से उसमें से 36 जो है वो नहीं लाने होते हैं। इसी तरह से जब अपन बीपी निकालते हैं तो बीपी हमेशा बिजनेस की 100% कैपेसिटी पर निकलती है। तो यहाँ एक चीज़ विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि बीपी तो निकलती है 100% कैपेसिटी पर, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो परसेंट होता है वो 100% कैपेसिटी पर ना होकर वो होता है करंट सेल्स के ऊपर। यानी कि कोई स्टूडेंट अगर 36 नंबर ला रहा है 70 में से, 36 नंबर ला रहा है 80 में से, 90 में से, 100 में से, तो उसका परसेंटेज कितना होगा वो इसमें पता चलेगा। तो दैट मीन्स कि ये एक माइनर सा डिफरेंस है कि बीपी हमेशा किस पे निकलेगा, बीपी हमेशा निकलेगा 100% कैपेसिटी सेल्स पर, और जबकि आपका जो एमएस है वो हमेशा किस पे लगेगा, आपका करंट सेल्स। और करंट सेल्स कौन सी वाली है, यही वाली, यही करंट सेल्स वापस यहाँ अपन में लिखकर लिखी जाती है। और ये मैं फार्मूला परसेंटेज के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके अंदर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो आंसर है वो इसी फॉर्मेट के अंदर दे रखा है, इसी व्यू में दे रखा है कि डायरेक्ट आंसर में परसेंटेज ऑफ एमएस दिया है। तो पहले आप एमएस निकालो, मोस्टली इस वाले फार्मूले से लगता है, कभी कभार ये फार्मूला भी लग जाता है, और फिर उसके बाद ये परसेंटेज निकाल कर आप अपना आंसर चेक करते हैं। अब देखिए कि इस फार्मूले के बाद आपको मैं इस लेसन के अंदर, वैसे मैंने आपको काफ़ी सारे फार्मूले बताए हैं लेकिन वो बने एक दूसरे से मिलकर ही है, तो मैं आपको अब इस लेसन के अंदर जो अगर आप रिपीट करना चाहें वापस एक बार और शॉर्ट के अंदर इन सारी चीज़ों को, अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैंने तो पूरा डिस्क्राइब कर दिया है हर फार्मूला किस तरह से बना है, तो आप उसका डिस्क्रिप्शन, उसका जो पूरा फॉर्मेशन भी मैंने बताया है, लेकिन अगर आप थोड़ा याद रखना चाहें कि मुझे क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से फार्मूले काम में लेने हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक लिस्ट बना रहा हूँ वापस शॉर्ट इन शॉर्ट, कि वो 4-5 फार्मूले भी अगर आप याद रखते हो तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है उसमें आपके उसके पॉइंट्स हो जाएंगे। और बाकी जो ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन 2-4 छोटे बड़े आइटम्स की, तो वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताता रहूँगा। अब देखिए इसके अंदर जो फार्मूले हैं मेन, तो मेन फार्मूलों के अंदर सबसे पहला फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है पीवी रेशियो का, और पीवी रेशियो निकालने के लिए मोस्ट प्रोबेबली आपको यही वाला जो है फार्मूला इसके अंदर काम आएगा,